खबर रीवा जिले से है, जहां श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी मेमोरियल अस्पताल के पीछे बने नर्स हॉस्टल में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया, जब शॉर्ट सर्किट से लगी आग छात्रा के कमरे के सभी सामान को जलाकर राख कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही अस्पताल प्रबंधन के बीच हड़कंप मच गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान सैकड़ों नर्सिंग छात्रा एकत्र हो गई और आरोप लगाया कि एक कमरे में दो दर्जन छात्राएं रहती हैं, एक कॉमन बाथरूम है जिससे कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं, हॉस्टल जर्जर हो चुका है। वहीं मौके पर पहुंचे श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सारस्वत ने बताया कि हॉस्टल जर्जर है, उसकी मरम्मत कराकर चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। जबकि संगठन की अध्यक्ष अंबिका तिवारी ने बताया कि एक माह के अंदर 100 सीटर हॉस्टल उपलब्ध कराने की मांग की गई है, अगर उपलब्ध कराया जाता है तो ठीक, नहीं छात्राओं के साथ प्रबंधन से बात करेंगी। आइए आपको दिखाते हैं पूरी घटना और सुनाते हैं छात्राओं के डीन और संगठन का क्या कहना है। नाम है आपका, कौन सी ईयर की छात्रा हैं? मेरा नाम सिद्धि पाल है, मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। यहाँ से हम लोग 17 लोग एक ही रूम में रह रहे हैं, एक ही वॉशरूम है कॉमन, गर्म पानी के लिए भी व्यवस्था नहीं है, फिर हम कैसे नहाएं धोएं, और वॉशरूम भी एक ही है कॉमन। हमने कितनी बार कंप्लेंट करी है, अगर बोला गया है कि नर्सिंग हॉस्टल बना हुआ है, नर्सिंग हॉस्टल मिला है, लेकिन हम लोगों को तो मिला नहीं है, फिर किसे मिला गया है? अभी डीन साहब आए थे, उनसे क्या चर्चा की? डीन सर ने बोला है कि एक महीने का टाइम है, फिर से एक महीने बाद देखते हैं अब होता है या नहीं, हमेशा यही बोलते हैं। ऐसा आश्वासन कब से दिया जा रहा है? ऐसा ये 4 साल से दिया जा रहा है कि डेढ़ महीने बाद मिलेगा। बरसात में हमारे क्या समस्या है? ये छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं और एक कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, तो एक लड़की का पूरा सामान जल गया है, तत्काल कंट्रोल पा लिया गया है आग पे, और आगे की समस्या है कि अब इनके रहने के लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो डीन साहब ने ये कहा है कि एक महीने के अंदर 100 सीटर हॉस्टल है, उसको अच्छी तरह से साफ़ सफाई करा के और इन लोगों को दिया जाएगा। अगर एक डेढ़ महीने के अंदर में नहीं देते हैं तो फिर इसके लिए मैं आगे कुछ ना कुछ इन लोगों को ले जा कर प्रयास करूँगी, और जहाँ तक संभावना है ज़रूर मिल जाएगा। काफ़ी जर्जर भी हालत में है और पानी, हाँ, ये हॉस्टल बहुत पुराने हैं, करीब 60 साल पुराने हैं, सब एक्सपायरी हो गए हैं, और ये भी लिस्टेड हैं, शायद भविष्य में इनको गिरा के यहाँ पे नया कुछ ऐसा हॉस्टल बनाने का व्यवस्था चल रहा है। अभी कितनी छात्राएं यहाँ रहती हैं? जहाँ पे आग लगी है उस रूम में 14 स्टूडेंट रहते हैं एक कमरे में, और हॉल की साइज है 20x20, और बगल में एक 10x12 का एक स्टोर है और वॉशरूम है, सामने छोटी सी बालकनी है। छात्राओं द्वारा हॉस्टल में कुछ क्या विवाद की स्थिति थी, क्या कुछ चीज़ें? नहीं, विवाद कुछ नहीं है, छात्राएं यहाँ रह रही थी, उस हॉस्टल उस रूम में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लग गई थी, ये हुआ था क्योंकि बच्चे वहाँ पर थे नहीं उस टाइम पे, सब अपनी ड्यूटीज़ में थे। जब वो पहुँचे उनने देखा कि आग लग गई है, तो हमारे जो अग्निशमक हैं उनने जाके उसको आग को बुझाया, और उसमें कोई ऐसी किसी को कोई चोटें नहीं आई क्योंकि बच्चे थे भी नहीं वहाँ पर। पुराना हॉस्टल पहले भी आपको अवगत करा चुकी हैं कि यहाँ पे हम लोग नहीं रहना चाहते, ऐसी कुछ बात सामने आई थी? अब जो हैं वो तो सभी यही व्यवस्थाएं हैं, हॉस्टल पुराने हैं ये तो हम भी जानते हैं, ये तो GMH भी पुराना है हमारा, तो ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं, उनका रिपेयर जो ज़रूरत रहती है समय पर करा दिया जाता है। ठीक है।